हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीतिस किचन में। आज हम बनाएंगे एक ब्रेकफास्ट रेसिपी, चावल के आटे से पूरी और आलू का सब्जी। चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर लेंगे उबला हुआ आलू 2 पीस, इसको कद्दूकस कर लेंगे। चावल के आटे में आलू डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है। अब इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। इसके बाद पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हम यहाँ पर लिए हैं हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, साबुत जीरा 1/2 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच, आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच घिसा हुआ अदरक, स्वाद अनुसार नमक, हरा धनिया। अब इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन भी क्रश करके डालेंगे ताकि इसका स्वाद और अच्छा आए। सारे चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद पानी डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो डो हम लोग का गीला बन जाएगा तो पूरी अच्छे से नहीं बन पाएगा। डो बनकर हम लोग का तैयार हो गया है और डो को हम थोड़ा सा ऑयल डालकर चिकना कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइन ऑयल ताकि डो चिकना हो जाए। इसको अच्छे से मसल लेंगे। अब हम लोग का डो बनके तैयार हो गया। अब इसको कवर करके हम रख देंगे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए, ताकि हम लोग का डो सॉफ्ट बन जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल 2 चम्मच। तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हींग 1/2 चम्मच, जीरा। जीरा को तड़कने देंगे थोड़ा सा और इसमें डालेंगे घिसा हुआ अदरक लहसुन। आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी अदरक लहसुन का डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हम लोग का अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब ऐड करेंगे पाउडर मसाले। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हम लोग का पाउडर मसाला जले नहीं। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने हल्दी डालना भूल गया था, अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हल्दी। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर। हमने इसको काट लिया है। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाती है। अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे कवर करके 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम को रखेंगे यहाँ पर एकदम लो में, ताकि हम लोग का टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग का टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मसाला को कुछ देर तक इस तरह से भून लेंगे। भुनने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे फ्रोजन मटर, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरह से मिला लेंगे मटर को। मटर को 2-3 सेकंड मिलाने के बाद अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कुछ देर मसाले के साथ मटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। कुछ देर भूनने के बाद अब हम उबला हुआ आलू को हाथों से तोड़ के डालेंगे। हाथ से तोड़ के डालने से
सब्जी का स्वाद और अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी तरह हम कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए करीब इसको अच्छे से भून लेंगे। जो जो बड़ा बड़ा पीसेस है थोड़ा सा इसको तोड़ भी लेंगे। यकीन नहीं मानिएगा, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट बन भी जाती है। चलिए, मसाला हम लोग का अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें डाल देते हैं पानी। हम यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे। आपको ग्रेवी जिस तरह पसंद है आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद 5 से 10 मिनट तक इसको कवर करके रख देंगे मीडियम आंच में। 5-10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू मटर का सब्जी बनके तैयार हो गई। कितना स्वादिष्ट लग रही है देखिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने से इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, बनके तैयार हो गई हम लोग का मटर आलू का सब्जी। झटपट बनके तैयार हो गई। चलिए अब चलते हैं पूरी बनाने के लिए। आटा भी हम लोग का अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसका लोई बना लेते हैं। पहले ये पूरी ठंडे के दिनों में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह छोटा छोटा लोई तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे। ये मसाला पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसे बेल लेते हैं। पहले हम रखेंगे 1 लोई, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा भी छिड़क देंगे और हल्के हाथों से पूरी को बेल लेंगे। ये पूरी ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से मोटा सा थोड़ा पूरी बेलेंगे। चलिए इस तरह सारे पूरी तैयार कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं पूरी तलने के लिए। तेल गरम होना चाहिए। गरम जब हो जाएगा उसमें डाल दीजिए पूरी। ये देखिए, इसको थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। पूरी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसको उठा लेंगे। गर्मा गर्म पूरी बन के तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से हम सारे पूरी तल लेंगे। गर्मा गर्म पूरी बन के तैयार होगी। सर्व कर रहे हैं आलू मटर का सब्जी और पूरी के